पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारा मनरेगा का बकाया नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि आज एक ही टैक्स है GST, केंद्र सरकार सारा टैक्स लेती है और हमारा जो हिस्सा है यहाँ से ले जा रही है। गवर्नमेंट जो काम किया 100 दिन के लिए उसको रुपया नहीं दे रहा है। बांग्ला का बाड़ी हम जो तैयार कर रहा था गरीब लोगों के लिए, मजदूर के लिए, उसको रुपया भी बंद कर दिया। ये उसका रुपया नहीं है। आज एक ही टैक्स है GST टैक्स, सॉफ्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट तुल के ले जाता है हमारा स्टेट का। पहले स्टेट का टैक्स तुलने का अधिकार था और हमारा 100 दिन का काम पे रुपया का टाका नहीं दे रहा है, रास्ता तैयार करने का रुपया नहीं दे रहा है, हमारा शेयर नहीं दे रहा है जो इधर से ले जा रहा है, बाड़ी बनाने का रुपया नहीं दे रहा है। इसी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया और आने वाला दिन मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। मैं 18-19-20 से आम प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट मांगा कि हमारा रुपया दो, नहीं तो आप लोग, नहीं तो सरकार बदल दो। गरीब जनता को रुपया दो, उसको रुपया छोड़ो। 100 दिन का रुपया नहीं देगा तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कहेगा कि हाय रुपया दो, नहीं तो गोदी छाड़ो, हाय टाका दिन ना हले विदाय नीन। हमें जाच्छी, हमें अपॉइंटमेंट चेयेछी, आशा करे निश्चय प्रधानमंत्री ए अपॉइंट आमाके एवं आमार साथे किछु MPরা जाबेन, तारा बांगलार जन्य चाइबेन। 1,15,000 কোটি টাকা আমাদের পাওনা আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে।